हेलो एवरीवन। सो आज मेरे को बहुत टाइम से ज़रूरत थी एक मिक्सर ग्राइंडर की, तो मैं सोच रही थी कि मैं कौन सा मंगाऊं। तो मैंने ऑनलाइन चेक किया, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे भी चेक किया था मैंने, हर एक लाइक ऑनलाइन ऐप पे मैंने चेक किया। तो फाइनली मैंने फ्लिपकार्ट से ये बॉश का मिक्सर ग्राइंडर मंगाया है। चलिए मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बता देती हूँ। अभी अनबॉक्सिंग मैंने नहीं किया है, तो उसको ओपन करने से पहले आपको कुछ फीचर्स बता देती हूँ। और मेरे लिए भी ये बहुत मतलब नया ही है, जैसे मैं आप लोग को बता रही हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो भी है वो लाइव ही आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये बॉश का है और ये इसका नाम है ट्रू मिक्स प्रो मिक्सर ग्राइंडर। अगर आपको सर्च करना है तो आप ऐसे डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो। ये 1000 वॉट का है और 2 ईयर्स का इसमें वारंटी है। ओके, इसका जो प्राइसिंग है और मुझे ये कितने में मिला है, मैंने इसको अपने ओल्ड मिक्सर से एक्सचेंज किया तो मुझे ये किस प्राइस में पड़ा है, मैं आपको सब डिटेल्स बताऊंगी इस वीडियो के एंड में। तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, ताकि आप लोगों को भी इन फ्यूचर अगर मिक्सर ग्राइंडर लेना हो, या आप लोग अभी देख रहे हो तो मेरे वीडियो पर आए हो देखने मतलब सर्च करने के थ्रू, तो आप लोगों को भी डिटेल्स अच्छे से मिल सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको अनबॉक्सिंग करना। इसमें यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स बताए गए हैं, आप देख सकते हैं। बिग जार वेट 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 ग्राइंडिंग भी है इसमें, मीडियम जार है जो है कि ड्राई ग्राइंडिंग के लिए, चटनी जार है और ब्लेंडर जार है, मतलब पूरा मिला के इसमें 4 हमें जो है जार्स मिले हैं। तो चलिए देखते हैं। साथ इसके कुछ ब्रशेस मिले हैं, आप देख सकते हो। ओके, इसमें इसके कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। पैकेजिंग तो बहुत अच्छे से किया गया है। तो सबसे पहले मैं जो है, काफ़ी हैवी लग रहा है ये मिक्सर है। ओके, पहले हम लोग एकदम जो है जार से इसके निकाल लेते हैं। सो इसको पैकेजिंग कुछ इस तरह से की गई है। मैं पहले सब प्रोडक्ट जो है एक एक बाहर निकालती हूँ, फिर आपको इसके डिटेल्स अच्छे से बताती हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने सब ओपन कर लिया है। ठीक है, तो मैं एक एक जार आपको ओपन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले है ये जार। ओके, इसके अंदर इसके कार्ड हैं जिसमें इसके डिटेल्स मिल जाएंगे कि ये जार क्यों यूज करना है हमें। चलिए ये देखिए, आप इसमें ऐसे ढक्कन भी है, जैसे कि आप कुछ भी ग्राइंड कर रहे हैं और आपको अगर पानी डालना हो बीच में, तो आपको पूरा जार ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये ढक्कन यहाँ से खोलेंगे और यहाँ से पानी डाल के फिर आप इसको लीटर वापस इसे बंद करके और आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, जैसे कि मैं देख रही हूँ, फील कर रही हूँ, क्वालिटी इसकी अच्छी है काफ़ी। ओके, और 2 ईयर्स का वारंटी भी है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा लोड की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसमें ऐसे क्लिप सिस्टम है, आपको ऐसे क्लिप लगा के इसको ऐसे बंद करना है और ऐसे खोलना है, मतलब अगर टाइट नहीं हुआ और कुछ भी बाहर अंदर का, इसमें ऐसा कुछ पंगा नहीं हो सकता। तो ये देखिए इसमें हाउ टू फिट रिमूव दी एक्टिव फ्लो ब्रेकर। ओके, इसमें कार्ड है जिसमें इसके डिटेल्स दिए हैं कि इसको आपको कैसे निकालना और कैसे फिट करना है रिटर्न। सो आप ये यहाँ पे देख सकते हो, इसका एक्टिव फ्लो किया हुआ है। ठीक है, और ये इसको आप रिमूव, जैसे कि आपको अगर इसकी आवश्यकता नहीं है, अगर आपको नहीं ज़रूरत है इसकी, तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। उनको बता रही हूँ, आप ये देख रहे हैं, इसको आपको ऐसे लगा और फिर ऐसे आपको इसको आराम से रिमूव कर देना है। ठीक है, जैसे कि मोस्टली जो हम महिलाएं होती हैं, फटाफट खाना बनाना रहता है, ये सब करना है, तो हमें ये सब झमेले में पड़ती नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे ये नहीं यूज़ करना है, तो कोई बात नहीं, आप इसको निकाल के प्रॉपरली एक जगह पर इसको सेफली रख सकते हो। अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है,
तो मैं तो इसको निकाल के यूज़ करना प्रेफर करूँगी। ठीक है, तो ये एक ये जार है, ओके। सो ये है सेकेंड जार हमारा, ओके। जैसे कि आपको कुछ कम क्वांटिटी में करना है तो आप ये यूज़ करो। जैसे मेरे लिए, जैसे कि मेरी फैमिली छोटी है, हस्बैंड वाइफ और छोटे बच्चे हैं मेरे, तो मेरे ख्याल से मुझे मसाला पीसने के लिए ये तो काफ़ी है। अगर कोई गेस्ट आ रहा है आपके घर में, आपको कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना, तो ये वाला मेरे लिए ठीक है, ओके। तो ये वाला देख लो जार, सेम है, इसमें कुछ नहीं है, ओके। तो अगर आपको रेगुलर यूज़ करने के लिए अगर आपको चाहिए, आपकी फैमिली 4-5 मेंबर्स की भी है, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। जो मीडियम जार है इसका, ये मीडियम है, ये जो मैंने आपको पहले दिखाया वो लार्ज वाला है, ओके। सो ये है, इसके साथ भी सेम हमें कैप मिला है, ओके। देख सकते हो सेम है, सेम है। इसमें भी हमें क्लिप सिस्टम है, जैसे कि मैंने बंद कर लिया और क्लिप लगा लिया। और इसमें भी सेम हमें, अगर हमें कुछ लग रहा है पानी कम है तो डालने के लिए, पूरा खुलने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात होगी, मैं अपने ओल्ड मिक्सर में इस चीज़ से बहुत परेशान थी। इसको ओपन करो और हवा जाने के लिए यहाँ पे गैप है, आप लोग ध्यान दो, ओके। तो हमें इस पॉइंट पर हमें कभी भी फिंगर नहीं रखना है, हमें इसको हमेशा ओपन ही रखना है। पानी डालने के लिए यहाँ से डाला, यहाँ से बंद कर लिया, यहाँ पे आप ऐसे पकड़ो और मिक्सर ग्राइंड कर लो, ठीक है। तो ये है हमारा सेकंड, और क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी भी गाइस, ठीक है। और ये 4 क्लिप्स का मिक्सर है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसका जो है छोटा, इसको मोस्टली हम सब लोग बोलते हैं चटनी, चटनी जार, क्योंकि इसमें हम लोग अक्सर चटनी ही पीसते हैं। जैसे कि अगर बहुत चटनी पीसना हो या कुछ बहुत ही कम क्वांटिटी में कुछ करना हो, तो सेम है इसका भी ये सिस्टम। इसका रबर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है गाइस, देख सकते हो, ओके। बहुत अच्छी है इसकी रबर की क्वालिटी। इसमें भी सेम सिस्टम है, खोलो पानी डालो। ये चटनी के लिए है, ये 2 ब्लेड का है, ओके। क्वालिटी बहुत अच्छी है, देखो आप, इसमें स्क्रू भी दिया गया है, मतलब इसको इतने अच्छे से बनाया गया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये है हमारा 4 और ये है हमारा जूस के लिए, जूसर शेक जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोग के सामने इसको खोल रही हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि इसमें क्या चीज़ है खास। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें जैसे कि अगर मुझे गाजर का जूस बनाना है, बीट, ऑरेंज, कुछ भी, तो मैंने छोटे पीस में किए, जो पीस इसके अंदर जा सके, इसमें मैंने डाल दिया, ठीक है। इसको लॉक कर दिया और बस इसको घुमा दिया, और जब मुझे जूस निकालना हो तो इसे घुमा दूंगी और इसको ओपन कर दूंगी। इसको बस आपको घुमा के लॉक कर देना है और घुमा के इसको ओपन भी कर देना है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। और इसको क्लीन करने के लिए भी मेरे ख्याल से ईजी है, देखो ये ऐसे निकल गया, आपको क्लीन करना है तो बस इसमें क्लीन कर लो, इसको क्लीन करके। और अगर आपको शेक बनाना है, अगर आपको ये नहीं कम, अगर आपको नहीं भी यूज़ करना है, आपको ऐसी कोई चीज़ बनानी है जिसको आपको फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसमें डाला ऑरेंज जूस, सब कुछ ठीक है। और मुझे ये है कि ऑरेंज का छिलका या जो भी ना है, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी निकालती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका गैप है, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकती हूँ, तो बाकी जो उसके छिलके और कचरे हैं वो इसके अंदर ही स्टोर रहेंगे, ठीक है। तो जैसे मेरा हो गया, फिर मैंने जूस निकाले और फिर मैं इसमें से निकाल के, इसमें से जो भी इसके जो भी वेस्ट रहेंगे वो निकाल के फेंक दिया, और इसको वॉश करके, बिल्कुल भी ये शार्प नहीं है, बहुत ही स्मूथ है, बच्चों के लिए भी मतलब सेफ है, तो इसे निकाल के मैंने। और अदरवाइज़ मुझे कुछ ऐसा चीज़ करना है जिसमें मुझे फ़िल्टर की ज़रूरत है, तो मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, ये ढक्कन इसमें भी ऐसे लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बिना ढक्कन नहीं लगे, अदरवाइज़ भी ये लग जाएगा, ठीक है। सो इसको आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, ये ढक्कन को अगर आपने ये लगाया है तो आप यहाँ से कुछ भी डाल लो, और अगर आपने ये नहीं लगाया है तो आप यहाँ से कुछ भी, जैसे शेक बना रहे हो, आपको लगा कि थोड़ा सा गाढ़ा हो गया तो आप ये खोल लो और इसमें से पानी भी डाल के, ये मतलब मल्टीपर्पज़ है, आप जैसे आपको यूज़ करना हो, ठीक है। और इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है गाइस, प्लास्टिक है बट इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो कितनी अच्छी है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके साथ हमें और चीज़ क्या मिली है एक्स्ट्रा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, जो इसके साथ हमें जो चीज़ें, 2 चीज़ एक्स्ट्रा मिली है, वो है ये स्पून। जैसे कि कुछ भी मसाला आप तो जानते हो, जो भी यूज़ करते सब जानते होंगे, कुछ भी हमें कभी इसको कभी कोई चीज़ उसमें नीचे जो है दब जाती है या फिर मूव नहीं करती है, हमें ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ करें तो वो चलाने के लिए वगैरह वगैरह
कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। और हमें एक एक्स्ट्रा जो है ब्लेड भी मिला है, जैसे कि आपको ये सब में आप जार्स में देख सकते हो, ये इसमें 2 डंडी है, ठीक है। अगर आपको इसको 4 करना है तो आप इसको निकाल के ये 4 वाला भी लगा सकते हो, किसी चीज़ के लिए अगर आपको आपको 4 चाहिए होगा तो आप ये भी कर सकते हो। अब हम ओपन करेंगे मेन चीज़ जिसके बिना ये सारे जार्स अधूरे हैं, तो पैकेजिंग इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से किया है और मुझे इसका लुक भी काफ़ी अच्छा लगा है क्योंकि मुझे ये कलर अच्छा। ये देख सकते हो आप यहाँ पे रबर है, ये जिसको हम बोलते हैं कि लाइक आप बोल सकते हो कि ये स्टिक कर जाता है फ्लोर पे आपके, जहाँ पे भी आप रखोगे प्लेटफॉर्म पे किचन के, तो ये मूव नहीं करेगा, एक जगह पे स्टिक रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, अभी आप देख सकते हो मैं हिला रही हूँ लेकिन ये हिल नहीं रहा। सो गाइज, ये जो मिक्सर है मुझे लुक में तो बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोग को बताती हूँ इसका फुल व्यू, ये है इसका फ्रंट व्यू, आप देख सकते हो, ठीक है। और बॉश कंपनी का है तो ऑब्वियसली क्लासी और मटेरियल वाइज भी अच्छा होना ही है। तो ये देखिए इसका वायर हम ओपन करते हैं, चेक करते हैं कितना बड़ा है, ताकि आपको अंदाज़ा पड़े कि आप कितने डिस्टेंस के लिए ये मिक्सर आप कितने डिस्टेंस पे फिट कर सकते हो। तो 1 मीटर से तो लगभग ज़्यादा ही है, ठीक है, ये वायर, ओके। तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए फ्लोर पे लगा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन है, ये मैंने लगा दिया है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ऑन किया है लेकिन वायर देखिए काफ़ी बड़ा है यार, मतलब मेरा जो पिछला मिक्सर ग्राइंडर था उससे तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इस मामले में, ठीक है। इसको मैंने ऑन कर लिया, अब मैं इसको घुमा के बताती हूँ आपको एक बार। बहुत पावरफुल है गाइस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। सो गाइस, मैंने ये मिक्सर इसलिए लिया है क्योंकि मुझे वेट ग्राइंडिंग, जैसे कि हम लोग 1000 वॉट का है तो ये इसमें हम प्रॉफिट है कि हम जैसे हमें वेट ग्राइंडिंग करना है, जैसे कभी हमें इडली क्या बैटर पीसना है जो कि बहुत क्वांटिटी में, और हम किसी किसी को बहुत पतला बैटर चाहिए रहता है किसी को, तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। इसमें ड्राई ग्राइंडिंग भी है, जैसे कि आप हल्दी आपने ले लिया बाहर से, आपको आपका घर का हल्दी चाहिए तो बाहर से आप ले लो, और इसमें आप हल्दी भी बना सकते हो, हल्दी भी पीस सकते हो। तो मुझे ओवरऑल हर चीज़ चाहिए था क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग बार बार नहीं लेते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो है वो एक बार ले लेना अच्छी, वही बेटर होती है मेरे हिसाब से, तो इसलिए मैंने ये लिया है। और इसका जो एक्चुअल प्राइस था फ्लिपकार्ट वो था 10,500 रुपये, 10,500 रुपीज़। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा ओल्ड मिक्सर ग्राइंडर भी था जो कि, तो मतलब मैं बहुत उससे बोर हो चुकी थी, बहुत पुराना भी था और उसमें बहुत मुझे डिफ़िकल्टीज़ भी हो रहे थे, तो मैंने उसको एक्सचेंज करने के बाद हमें ये लगभग 6,000 के आसपास पड़ा है उसको एक्सचेंज करने में। उसको एक्सचेंज का मेरे ख्याल से हमें 8,850 कुछ प्रॉफिट मिला है, तो 10,500 का मुझे अपना ओल्ड मिक्सर ग्राइंडर एक्सचेंज करने के बाद लगभग 6,000 में ये मिक्सर ग्राइंडर मिला है, इसलिए मैंने खुशी खुशी इसको मंगाया। और बॉश का है तो हमने और भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ जो हमारे घर में है बॉश की हैं, तो हमें इस पर थोड़ा बहुत जो है कॉन्फिडेंस है। तो चलिए अब मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मिक्सर ग्राइंडर की तलाश में हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर करिए, उनको भी हेल्प मिलेगा एक मिक्सर ग्राइंडर परचेस करने के लिए। सो ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियोज़ के नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। और मैं अभी इस वीडियो के बाद एक और वीडियो लेके आने वाली हूँ जो है मॉप का, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने मॉप का एक वीडियो बनाया, उसमें मुझे काफ़ी व्यूज़ मिले, काफ़ी मुझे लोगों ने उसके प्रति सवाल पूछे हैं, तो मैंने एक और मॉप खरीदा है, वो मेरा मॉप बहुत ओल्ड हो चुका था, तो उसका भी मैं वीडियो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। सो प्लीज़ गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नेहाज ब्लॉग ऑल इन वन चैनल। थैंक यू, बाय बाय।